गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब परमात्मा ने हमारे से आकर पूछा कि बोलो भाई कौन जाना चाहता है इसके साथ, तो हम अपने पिता के सामने बोल नहीं सके, शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो पहले ही कहा करते थे कि इस पर आसक्त ना होना। वो सन्नाटा छा गया, साइलेंट हो गया, सब कुछ शांत हो गए। तब परमेश्वर ने कहा कि क्यों भी ज्योति निरंजन, ये तो कोई नहीं बोल रहा, तू कह रहा था मेरे साथ जाना चाहते हैं। उसी समय एक आत्मा खड़ा हुआ और उसने खड़ा होकर के कहा कि पिताजी मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। अब बाकी हमने सोचा कि यू एक लायक वहां सारी लूट लूट लेगा और हम रह गए पाछे, तो हम भी फिर खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर ने कर लिए, सारे के सारे जितने असंख्यों अनगिन जीव यहां आ फंसे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, जो जिस जिसने हृदय से स्वीकृति इसकी की है उस उसको मैं इसके साथ भेज दूंगा, लेकिन आप जाइए अपने ब्रह्मंडों में, मैं इसको इनको वहां भेजने का तरीका दूसरा अपनाऊंगा। तो परमात्मा ने क्या किया कि जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसका एक युवा लड़की बना दिया अपने वचन पे, और उसके अंदर हम सभी प्राणियों को सूक्ष्म रूप बनाया, और सूक्ष्म बना दिया हमारा स्वरूप, और सभी को अपने वचन से उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया। अपुनात्मा, अब वैज्ञानिक तरीके से आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि हमारे ब्लड के अंदर कितने जीवाणु हैं। एक ग्राम ब्लड के अंदर 40-40 लाख जीवाणु, ये डॉक्टर लोग बताते हैं कि इतने बैक्टीरिया हैं, इतने फलाने हैं, तो इसको समझने में कति देर नहीं लगेगी। तो इसी प्रकार परमात्मा ने उस लड़की के शरीर में हम सभी को सूक्ष्म बनाकर प्रवेश कर दिया। अब वो लड़की कौन है, ये अष्टंगी है, दुर्गा है, और हम सभी उसमें प्रवेश कर दिए अपने पुत्र सहज दास को, अपने पुत्र सहज दास को जो परमात्मा ने सबसे पहले 16 वचन से उत्पन्न किए थे, उनको ही वो विशेष वहां की व्यवस्था के लिए प्रयोग करते हैं। तो सहज दास को कहा कि जा इस अपनी बहन को ले जा, और इस ज्योति निरंजन के पास उसके ब्रह्मंडों में छोड़िया, और उसको बता देना कि मैंने इस लड़की को, बेटी को एक वचन पावर दे दी है, जितने जीव वो कहेगा या उत्पन्न कर देगी वचन से, और जितनी आत्माओं ने तुम्हारे साथ जाना चाहा था इसके शरीर में प्रवेश है। सहजदास ने जाके सब कथा सुना दी और लड़की को छोड़कर वापस आ गया। अब इस ज्योत निरंजन ने, अब ज्योत निरंजन के मन में ये दोष आया, अकेली युवा लड़की को देखकर इसने या एक और भयंकर गलती कर दी, ये विषय वासना वश होकर लड़की के साथ दुराचार करने की चेष्टा करने लगा। तब लड़की ने कहा कि ज्योत नरेंद्र देखो, आप पिता के वचन से उत्पन्न हुए अंडे से, आप मेरे बड़े भाई हो, उसके बाद हमारी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की है, मैं आपकी बहन और आप मेरे बड़े भाई, ये दुष्कर्म ना करें, मेरे को परमात्मा ने वचन दिया है, वचन शक्ति दे रखी है, जितने जीव आप कहोगे नर और मादा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन उसने एक नहीं सुनी और
उसी समय उसने उस लड़की को परमात्मा ने एक और रजा बख्शी थी कि उस लड़की को प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी, बाकी शेष सब फीचर्स जो थे वो सब लड़की वाले थे। तो उसने अपनी नख रेखा से, नाखूनों से प्रजनन इंद्री बना ली। अब लड़की ने देखा कि जुल्म करेगा, मेरी इज्जत लूटेगा, तो उसने एकदम सूक्ष्म रूप बनाया और वो जो ही उसके साथ दुराचार करने की स्थिति में हुआ, मुंह खोला बकवाद के लिए, उसके मुख के माध्यम से पेट में चली गई। और वहां जाकर के उसने पुकार किया कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ इसने ऐसा दुर्व्यवहार किया। परमात्मा को पता था कि तुमने यह टिंडे देगा यू, उनको पहले ही मालूम था। हो गया शुरू ड्रामा इसका। तब अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, जो प्रथम 16 उत्पन्न हुए थे, उन्हीं के रूप में परमात्मा यहाँ आते हैं। और उसके लोक में भी जोगजीत रूप बना कर गए थे और वहाँ प्रकट होकर के कहा कि ज्योत निरंजन, सुन दे अब वचन परमात्मा का, तूने एक महान दोष कर दिया इस सच्चे लोक में, और ऐसे सच्चे लोक में ऐसे जुल्म करने वाले को ये दंड लगता है, ये दोष लगता है, अपराध लगता है, उसको एक रोग लगता है। आज से तेरा नाम काल होगा, लड़की को तूने बदतमीजी से दुखी किया और तेरे पेट में ये चली गई, तूने इसको निगल लिया, और 100,000 मानव शरीर धारी प्राणी तू डेली खाया करेगा, और 125,000 उत्पन्न किया करेगा। उसके पेट को चाक किया परमात्मा ने अपने नाखून से, लड़की को बाहर निकाल दिया और कहा कि आज से तुम यहाँ नहीं रहोगे, इन 21 ब्रह्मांड को लेकर तुम दोनों यहाँ से चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। अब ज्योत निरंजन ने बहुत फिर बाद में अपनी गलती का आभास भी हुआ और कहा भाई मुझे माफ़ कर दे, पिता से मुझे क्षमा करवा दे। वो अपना भाई समझ रहे थे, जोगजीत समझ रहे थे वो स्वयं परमात्मा। तब परमेश्वर ने कहा कि बस और फालतू बात मत करे और यहाँ से अति शीघ्र निकल जा। इतना ही कहा था, उसके 21 ब्रह्मांड विमान की तरह खिसक चले पड़े बहुत ही गति से, और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर परमात्मा के विधान अनुसार ये यहाँ चक्कर लगाने लगे। 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक से ये हम यहाँ बैठे हैं। नील पद्म शंख, जैसे हम गिनते हैं ना, 1,000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, फिर शंख। तो ऐसे 16 शंख कोश एक कोश के अंदर लगभग 1.5 मील होता है और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, यानी लगभग 3-3.25 किलोमीटर एक कोश में होते हैं। तो 48 शंख किलोमीटर की दूरी पर हम सतलोक से यहाँ आ गए, यु काल और ये दुर्गा। अब यहाँ करके इसने फिर वह बकवाद शुरू करी। लड़की ने फिर कहा कि ज्योत निरंजन देख, जुल्म ना करे, पहले तो मैं तेरी बहन, तू मेरा बड़ा भाई, फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई तेरी बेटी होगी, और ये दोनों नाते पवित्र होते हैं, तो जुल्म ना करे। पर इसने एक नहीं सुनी और दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया और 3 पुत्र उत्पन्न किए। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए,
अपुण आत्माओं, यहाँ थोड़ा सा हिंट देंगे क्योंकि आज का विषय एक बहुत ही अपने स्तर का होगा, क्योंकि एक तो ये सिद्ध करना अनिवार्य है कि हम जिसकी शरण ग्रहण किए हुए हैं वास्तव में यो परमात्मा है कि नहीं। तो ये परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, और उस परमेश्वर ने अपनी रचना को, अपनी सृष्टि रचना को आप ही आके बताया है। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई उत्पत्ति करनी आदमी नहीं था, ऋषि महर्षि चाहे कोई कितना विद्वान पाक रहा था। फिर क्या हुआ, अब थोड़ा सा ये मौखिक बता के फिर आपको शास्त्रों में दिखाऊंगा, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। तब ये तीनों पुत्र उत्पन्न हो गए। इसने क्या कर रखा है, ये देखिएगा, एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है, चित्र दिखाएंगे, इसका अंडे जैसी शेप है, एलिपिकल शेप है इसकी, ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, ये देखिए, ये एक ब्रह्मांड है इतना। और इसमें क्या क्या स्थिति है देखिएगा, इसमें क्या है, नीचे के ये सात लोक हैं, ये पाताल लोक है, और ये तलातल, महातल, वितल, अतल, सूतल, रसातल, ये पाताल लोक, ये पृथ्वी लोक, और ये शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, ये कोमन स्वर्ग और नरक, और ये इंद्र का लोक, स्वर्ग के राजा का लोक, ये धर्मराय का लोक जो न्यायाधीश है, ये मानसरोवर है, ये सपतपुरी, सप्तऋषियों का अलग से नगरियां हैं, ये एक एक द्वीप है, और ये है ब्रह्मलोक, ये सारा ब्रह्मलोक है, इस ब्रह्मांड के अंदर ही ये ब्रह्मलोक है। और इस ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने एक और जाल फैला रखा है, एक ये तो महा इंद्र का द्वीप है, ये ब्रह्मलोक है जिसको महास्वर्ग कहते हैं, ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने धोखा देने के लिए, जीवों को ये धोखा देने के लिए करवा रखी है। और ये दुर्गा का लोक है अलग से, ये समुद्र है शेष सारा, ये सब समुद्र है चारों तरफ, ये सारा समुद्र है। और यहाँ एक अलग से इसने गुप्त स्थान बना रखा काल ने, यहाँ कोई नहीं जा सकता इस काल की इच्छा बगैर। यहाँ इसने तीन स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे पुण्यात्माओं, जैसे किसी कक्ष में, किसी मकान में, बिल्डिंग में, हाउस में तीन कक्ष हों, और एक कक्ष में लगे हों ये अश्लील चित्र, और दूसरे में लगे हों साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के, भक्तों के चित्र, और तीसरे में लगे हों शहीदों के, सूरवीरों के चित्र, तो जब व्यक्ति उन अश्लील चित्रों वाले कक्ष में प्रवेश करेगा, उनकी देखकर उन बकवादों को, मन में उसी प्रकार के भाव नेचुरली रहेंगे, चाहे वो दो घंटे रहे चाहे तीन घंटे रहे, उनमें दृष्टि पड़ी ना और मन में वो दोष उत्पन्न होंगे, तो उसमें वो रजोगुण युक्त रहेगा। और जब सतोगुण प्रधान स्थान पर जाएंगे, जहाँ साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनकी स्त्री लिखी हो, तो वहां जाकर के उसमें अपने आप एक साधु जैसा स्वभाव बन जाता है। और तीसरे जहाँ सूरवीरों के, शहीदों के फोटो लगे हों, तो उनकी कथाओं से, उनके बलिदान को देखकर वैसा ही स्वभाव बन जाता है। इस काल ने ये जाल फैला रखे, ये परमात्मा कबीर जी ना क्या हमें बता, अब भगवान बिना या इसकी जड़ में कौन खोद दे,
ऐसा जाल फैला रखा ब्रह्मा विष्णु में, इसको पता नहीं हमारा पिता कौन है। और उस परम पिता ने आके इनकी एक एक दाना दाना गिनवा दिया। तो इसने क्या कर रखा है कि जैसे ही बाप ने देखा, ये देखिएगा, इस स्थान पर ये तीन ऐसे लंबे चौड़े क्षेत्र हैं, ये वैसे दिखा रखे आपको, ये बहुत हजारों किलोमीटर हजारों कोस का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, तो ये क्या करता है, इसमें स्वयं ये ब्रह्मा का रूप बना लेता अपने पुत्र, जैसे ये ऐसा रूप, और अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है सावित्री रूप में। इन दोनों के योग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऐसी शकल का और इसी विचारों का बन जाता है। ये तब तक इसी में रहते हैं जब तक इसका जन्म ना हो ले, और फिर उसको वहीं परवरिश के लिए रख देते हैं, कोमा में रखते हैं। जब तक ये युवा नहीं हो जाते तो ये कोमा में रखते हैं और वैसे उनकी परवरिश जारी रखते हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ आ जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, यहाँ ये विष्णु रूप बना लेता है और अपनी पत्नी दुर्गा को ये लक्ष्मी रूप बना लेता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और इस जैसी ही शकल का बन जाता है। और यहाँ देखिएगा, और जब ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है तो वहाँ ये ऐसी वेशभूषा बना लेता है और दुर्गा को ये ऐसे पार्वती जैसी शकल बना कर वहाँ रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इस जैसी शकल का बन जाता है। फिर इन तीनों को ये कोमा में रख देता है, और जब ये जवान हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर देता है। अब इससे पहले हम आपको परमात्मा कबीर जी द्वारा अपनी ये सारी हमारी सृष्टि रचना सुना रखी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन माता पिता हैं वो थोड़ा सा हिंट दूंगा। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इन हमारे सदग्रंथों में, जिनको हम सिरोधार्य मानते थे, और सत्य ज्ञान युक्त पुराण, वेद, गीता, इनमें आपको रूबरू करेगा ये दास। तो परमात्मा को हम अशिक्षित मानते थे और ये कहा करते, ये क्या जाने धाड़क दुलाहा, इसने संस्कृत आती नहीं, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के गुण रहस्यों का। अरे भगवान तो चीटी तक लेकर हाथी तक की भाषा जानता है, वो सब सब प्राणियों की भाषा जानता है। अब ये सिद्ध भी कर देगा दास आपको कि उस परमात्मा ने कैसे रजा बख्शी। अपने आत्माओं, दास जो वचन बोल लेगा ये सोच लेना 100% सच समझ लियो। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्टर बनवाए हैं परमात्मा की देन है आप पुण्यात्माओं के लिए। पहले ये लोग अपनी अपनी कथा सुनाया करते थे, सदग्रंथों का नाम लिया करते थे, कोरी बकवाद सुनाया करते थे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते थे, और हम इसलिए संतुष्ट रहते थे कि ये सभी विद्वान हैं, सदग्रंथों से परिचित हैं और इन्होंने ठीक ठीक सदग्रंथों को समझा होगा। आज पता चलेगा ये किसे विद्वान थे, ये खाकी कक भी पता नहीं था इनको, और उस परम पिता को जिसको धाणक दुलाहा एक मजदूर और शूद्र कहकर रिजेक्ट कर रखा था लाल को, उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान सुना रखा है जो वेदों और गीता पुराणों के अंदर विद्वान है। तो इससे पहले परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान धर्मदास जी को दिया था वो उसे रूबरू करता हूँ। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वो सूक्ष्म वेद है, ये देखिएगा यहाँ पर, ये यहाँ से छपा है, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास अध्यक्ष, श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहाँ से, और यहाँ देखिएगा ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक वही खेमरा श्री कृष्ण दास, ये सारे वही। ये है ज्ञान बोध और बोध सागर, कबीर सागर का एक अध्याय है बोध सागर, और उसमें ये ज्ञान सागर एक
बोध सागर खंड है, ज्ञान बोध एक इसमें चैप्टर है और ये 21 पृष्ठ पर आपको सुनाएंगे। यहां कहा है, धर्म दास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे थे कि धर्मदास इस मोक्ष मार्ग को से कोई परिचित नहीं है और ना ब्रह्मा विष्णु महेश के सतीथि से परिचित हैं। ये सारा विश्व भ्रमित है, ये सब यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए मैं तुझे तेरे को ये कथा सुनाई है। देखिएगा, धर्म दास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने मार्ग। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलती से मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भर्म नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चताई ही, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। होय होय, इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूँ तेरे को, जिनको तुम अजर अमर माना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, ये अजर अमर हैं। अब तुम्हें दिखाता सुनाता हूँ इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जान्या। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम माने सनातन परमात्मा, यह इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिएगा, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ज्ञानी सुने जो सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्ष्यावश नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी बात यहाँ नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे, अको हो सारे प्रमाण। और परमात्मा कहते हैं, जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है, तो जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, तो ताकि संगत है प्रभु, कहते सपने भी में ना दे। ऐसा दुष्ट कभी कहते कभी ना मिलाइयो इसे व्यक्ति ने, सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। ओए, कहते हैं पहले उस ज्योत निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से, और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के उस स्वरूप के ऊपर आसक्त होकर इस काल ने यह गलती की। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इसके अंदर भी से वासना प्रबल हुई। धर्मराय इस काल को भी कहते हैं, इसने कहा था मैं सत का राज करूंगा, मैं धर्म का राज करूंगा, तो तब इसको धर्मराय कहा करते थे, और जब इसने लड़की के साथ जुल्म किया इसको काल कहा गया। अब क्या कह रहे हैं, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए, हे देवी को तुरंत दर खाए।
पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अब यहां पर इन कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से 1921 कर दिया। इसमें लिखा है परमात्मा ने कहा था टेर सुनी तहां हम आए, और परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को थोड़ा छुपाना था, इसलिए इन्होंने कबीर पंथियों के संबंध में नहीं आई। ये कबीर जी को तो सतगुरु मानते हैं और सतपुरुष को निराकार बताते हैं, इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो इनको ज्ञान नहीं था। अब क्या कहते हैं, धर्मराय को हिकमत की ना, इस काल ने नखरेखा से भग कर लीना। दुर्गा को नाखनों की से द्वारा स्त्री इंद्री लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा, यानी अष्टंगी प्रेग्नेंट हुई। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, जाए माने उत्पन्न किए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे, ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासा लीना। हाय हाय, तीन लोक अपने पुत्रों को देके सुन में ये स्वयं वास करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बट पारा, तीन लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तीन के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। ओए होए, अपनात्माओं, परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। तीन के सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के पुत्रों को अजर अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे। और परमात्मा कहा करते हैं तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। तो उस समय इतना विरोध हुआ था भगवान का, परमात्मा के साथ जो सितम ढाए थे इन दुष्टों ने। आज कलेजा मोह को आजा, वो कथा कभी कभी सुनाएंगे आपको रह रहकर। पहले दास चाहता है कि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, फिर उसके बाद आप सारी बातों को जो भी दास मुख से बोलेगा सारी सच्ची मानोगे और वो सत्य ही होंगी। तिन के सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके तीन यानी उन दोनों के, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देव, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उनकी उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। तीन गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पारे। अपने आत्माओं, परमात्मा ने एक वचन इसमें बोला है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। ये तीन गुण क्या है, ये तीन गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इसको परमात्मा को कबीर साहब को अशिक्षित कहा करते, शूद्र कहा करते, ये धानक ये दुलाहा क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्यों को।
और परमात्मा ने वो अमृत वचन बोल रखे हैं, इतने गुड़ शब्द बोल रखे हैं, ये नकली नहीं समझ सके उस परमात्मा के गुड़ रहस्यों को, और परमात्मा सारे गुड़ रहस्यों से परिचित थे। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण, इन्हीं और गीता प्रेस गोरखपुर तो ऐसा है समझ लो जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड हिंदू धर्म के लिए। ये मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, 122 तो यहाँ पर है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, यहाँ से शुरू होता है। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, मार्कंडेय जी बोले मुने, हम यहाँ आ जाते हैं इसके कति सामने, रजोगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं, यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। ओए होए, और थोड़ा सा पक्का कर दूं, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक, इसमें संस्कृत भी साथ है, और ये सबसे बड़ा काम इसमें यह है संस्कृत भी साथ है, हिंदी अनुवाद भी है। अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई, ये इसका तीसरा स्कंद है। ये है अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते, तीसरा स्कंद शुरू होता है। ये 11 पृष्ठ है और ये 5वां अध्याय है, इसका 8वां श्लोक है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको, यानी मुझे तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं, हमें क्यों युक्त किए हैं। अब यहाँ संस्कृत भी देखेंगे, यदि दया धर्मना, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना ने सदा अंबिके कथम अहम विहित चय, मैं क्यों बना दिया तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों उत्पन्न कर दिया, और सुवीत क्यों किमु सतोगुणो हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी है। अभी तो आपको परमेश्वर कबीर साहब की वाणी से प्रमाणित किया, और फिर परमेश्वर ने अपने से परिचित कराया था आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, तो उस परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार सुनाया देखिए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। अब गरीबदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु, जैसे गीता अध्याय नंबर 14 के और श्लोक नंबर 3 से लेकर 5 में स्पष्ट किया है, 5 में विशेषकर कहा है कि अर्जुन इस माया से उत्पन्न तीनों गुण, दुर्गा से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी, ये जीव को यहाँ कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं, ये इनको फंसाने के मूल कारण हैं। ये देखिएगा, अब आपको श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, ये श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 से 5 सुनाएंगे आपको। ये 3, इसमें क्या कहा है कि अर्जुन मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति
अब आपको दास ने श्री मद देवी भागवत के तीसरे स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुद्ध स्वरूपा है, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु होता है, और आप ही पूर्ण प्रकृति हैं, और इसमें रुद्र संहिता शिव पुराण के अंदर आपको दिखाया था कल कि इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने ही विग्रह से दुर्गा निकाली और उसको प्रकृति भी कहते हैं। पहले ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा 14वें अध्याय के तीसरे श्लोक में ये क्या कहता है कि अर्जुन ये काल बोल रहा है ब्रह्म, मेरी ये मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि यानी गर्भाधान स्थान है, और मैं काल ब्रह्म उस योनि में गर्भ यानी चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ, और तत्व माने उस के संयोग से सभी प्राणियों भूतों माने प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, हे अर्जुन ये नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी मूर्तियाँ यानी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं प्रकृति यानी दुर्गा, दुर्गा तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु रजगुण ब्रह्मा तमगुण शिवजी, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी अविनाशी जीवात्मा को शरीर में फंसाए रखते हैं, बांधे रखते हैं कर्मा के अनुसार। अब इसने तो यो ठीकरा फोड़ दिया ब्रह्मा विष्णु महेश पर कि ये बांध रहे हैं, अब ये महापुरुष क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से अब गरीबदास जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु अकेले दोषी नहीं है, ये धर्मराय माने काल और या दुर्गा ये इन पांचवा ने क्या तुम्हें फंसा रखा है अकेले, इसने ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी बना दिए। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया वाणी हमरी लहिए। हम जो कह रहे हैं इसको घनी गौर से सुनना और इस पर बहुत गौर करना, इन पांचवा ने मिलकर ये परपंच बना रखा है, आपको यहाँ फंसा रखा है। ये है खोखापुर की बाजी बिष्ट बकुंठ दगासी साजी, ये कृत्रिम जीव भुलाने बाई निज घर की तो खबर न पाई, अपने निज घर का तो ये पता भी नहीं लागण देता, ऐसा जालिम है ये काल। 1,25,000 उपजे नित हंसा और 1,00,000 विनसे नित अंसा, 1,25,000 उत्पन्न करता है और 1,00,000 को रोज खाता है। उत्पत्ति खपति अपरले फेरी हर्ष शोक जोरा जम जेरी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, माया आद निरंजन भाई अपने जाए आप खाई। अपने आत्माओं आप जब इस ज्ञान से परिचित होगे आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी और तेरा गजब हो यो कहाँ फंस रहे थे और क्या हम ज्ञान लिए बैठे थे। अब क्या बता रहे हैं महापुरुष, माया आद निरंजन भाई ये अपने जाए आप खाई, ज्योत निरंजन और ये दुर्गा आप पैदा करते हैं और आप खावे सारे ने। अब दुर्गा खाती नहीं इसका सहयोग दे रही है, अब इसके विवश होगी अपने अपने पाप कर्मों के कारण हम इसके पराधीन होंगे, और इसने दुर्गा को इतना डरा रखा है कि तू मेरा भेद किसी को नहीं बतावेगी नहीं तो तेरी खैर नहीं है। इसने इस डर के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश को भी काल का जिक्र नहीं कर रखा, ये तो परमात्मा ना का भांडा फोड़ा इसका, इसको बेनकाब किया, ये के सांग है क्या है यो, इसने भगवान मान रहे थे तुम। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला सुन शिखरम धर्म अन्यायी, ओए सुन शिखरम यो धर्म काल अन्यायी और जिन शक्ति डायण मैल पठाई,
काल ने कहा था कि दुर्गा मेरा भेद किसी को मत देना, मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊँगा और तू मेरा भेद नहीं देना और सारे ब्रह्मांड का तू संचालन करना। तब इसने कहा था कि एक तरफ तो मैं औरत इतने बड़े विभाग को कैसे संभालूंगी, आप क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हो, आप मेरे साथ भी नहीं रह रहे हो। तब इसने कहा था कि मैं काम तो सारे मैं करूँगा, तुझे नमत नमत बनाऊँगा, गुप्त रूप से मैं सब काम करूँगा, तू चिंता मत करना। तो क्या कहते हैं, सुन शिखर में धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी जिन शक्ति डायण मैल पठाई। अब दुर्गा को कहते हैं इसने भी इसका सहयोग दे दिया, विवश हो करके इसको ये नीचे भेज दी। लाख ग्रह सैन्य उठ दूती, ये माया आद तकत की कूती, सवा लाख घड़ी अन्यत भंडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। सवा लाख तो पैदा करते हैं डेली और एक लाख को मार देते हैं। कहते हैं ये हंसा, ये सब जीवात्मा, प्यारी आत्मा भगवान की जन्म और मरण के इस दंड से दंडित कर रखे। सवा लाख घड़ी अन्य तो भांडे, इस शरीर को भांडा बोला है, बर्तन बोला है, इसको चोला भी कहते हैं इसको। तो कहते हैं ये सवा लाख ये बर्तन, ये शरीर बनाए जाते हैं मानव के डेली और सवा लाख मारे जाते हैं। सवा लाख घड़ी अन्य तो भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे, ये तीनों चेला बट पारी, सरजे पुरुषा सरजी नारी, ये खोखापुर में जीव भुलाने, स्वप्न बिष्ट बैकुंठ बनाए, खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न बिष्ट बैकुंठ बनाए, ये है अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा, ये कोटक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन देखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर इस बंदे सब आवे। अब यहाँ क्या बताना चाहा है आदमी गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कई है, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए, इन पांचों मिल जीव अटकाए, हम युगन युगन आण छुटाए। गरीबदास साहिब कहते हैं, भगवान कबीर साहब बता रहे हैं कि इन पांचों ने मिलकर जीवों को फंसा रखा है और हमने युगों युगों में आके और इन जीवों को छुटाया और सतलोक ले गए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामन, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। ओए होए, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एत्या को तोरा ना पाया, जमके बंदे प्राणी। पुण्यात्मा, जब दास ने परमात्मा की एक वाणी पढ़ी थी के सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी, तो दास को भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये इतने देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि, क्या इनको भी रास्ता नहीं मिला। क्या कह रहे हैं गरीबदास जी, पीर पैगंबर और कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी, ये विद्वान पुरुष महर्षि, इनको वो मार्ग नहीं मिला, ये काल के बंदे प्राणी, ये काल के ही जाल में रहे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब कबीर साहब कहते थे मैं अमर करूं और तुम्हें यहां से काल के जाल से छुटवाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं, यानी काल के बंधन से छुटवाने वाला। अपने आत्माओं, ये इतना बड़ा चैप्टर है, जैसे अभी गरीबदास साहिब ने कहा था कि सुन शिखर में धर्म अन्यायी जिन शक्ति डायण मैल पठाई। अब देखिएगा ये लघु चित्र, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है जहां ये काल रहता है। ये देखिएगा, ये सारे एक ब्रह्मांड के अंदर ये व्यवस्था है, आपको बताई नीचे के ये सात
ये पाताल रसातल सुतल तल तलातल मान लिए, और ये पृथ्वी लोक, ब्रह्मा का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये कॉमन स्वर्ग है, स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही है, और ये इंद्र का लोक, ये धर्मराज का लोक, इसको महास्वर्ग कहते हैं। ये इतना महास्वर्ग है और ये सारा एक ब्रह्म लोक कहलाता है, इतना ये इसके अंदर अलग व्यवस्था है। तो ये काल यहाँ रहता है यहाँ पर, और इसका यू अलग से व्यवस्था है, ये अलग से इसमें कोई नहीं जा सकता। इस दुर्गा को इसने यहाँ एक अलग से द्वीप दे रखा है, यहाँ ये यहाँ रहती है, इसकी इच्छा होती है तब इसको ये ऊपर लेता है, नहीं इसको फिर नीचे छोड़ देता है। ये फिर यहाँ अपने अलग द्वीप पर रहकर इन सब का, इस पूरे ब्रह्मांड का की देख रेख करती है और इसके संपर्क में रहती है। ये काल यहाँ रहता है ऊपर, और इन इसके ये ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं। ये देखिएगा, ये जो आपने एक ब्रह्मांड देखा था, अब ये समझना, ये एक गेंद जो है ये ब्रह्मांड है, ऐसे इसने 5 ब्रह्मांडों को एक स्थान में रोका है, जिसको महाब्रह्मांड बनाया है। तो ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक कर इसने एक 21वां ब्रह्मांड यू अलग बना रखा है। ये पूरा देखिए एक बार, ये सबसे ऊपर ये अलग एक ब्रह्मांड है। ये वैसे बनाने में दिखाने के लिए अलग से बनाना, इसकी भी ऐसे ही एलिप्टिकल शेप है, ऐसे यहाँ एक अलग से ब्लॉक है, यहाँ पर ये लॉक लगा रखा है। प्रत्येक इस सर्कल से निकलने की प्रत्येक भौर गुफा है, प्रत्येक में इस एक ब्रह्मांड से निकलने की भी भौर गुफा है, इस फिर महाब्रह्मांड से निकलने की भी एक भौर गुफा है, और इस सारे से निकल कर इसमें प्रवेश करने की प्रत्येक में भौर गुफा है। जब हम सतलोक में जाएंगे और 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के पार करेंगे, वहाँ भी लास्ट में एक भौर गुफा आएगी। इस काल ने उसकी तकरीबन नकल कर रखी। तो ये यहाँ बैठा है शिखर शून्य में सबसे ऊपर। तो यहाँ इसने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगम और नामी लोक नकली बना रखे जीव को भ्रमित करने के लिए। और यहाँ एक अच्छी आत्माओं में से 12 आत्माएं ऐसा सेफ रखता है, उनको कलयुग में भेजता है दूत बनाकर इस नकली ज्ञान को फैलाने के लिए। जैसे दास ने आज के सत्संग में सुनाया था सुबह, कि जो पुण्यात्माएं भक्ति करके मर्यादा में रहकर चली जाएंगी वो तो गई सतलोक में, जो रह जाएंगी फिर काल उन अपना दुरुपयोग करेगा उन अच्छी आत्माओं के। पुण्य तो वो इस समय के होंगे, अच्छी भक्ति से युक्त चारित्र तो वो अब होंगे, और फिर सारी उम्र असंख्य जन्मों तक वो अपने कर्म फोड़ेंगे, उस पुण्य को ही खत्म करेंगे। तो ये 12 अचिंत भक्तों को ये वहाँ रखता है। अब कलयुग जब आया, इसने ये 12 दूत भेज दिए और उन्हीं को फिर से आगे भेजता रहता है। इनकी इतनी कमाई है, जैसे आप देख रहे हो यो जय धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाला, आज एक चीफ मिनिस्टर से भी ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हैं जिसको, और इसने कख का पता नहीं, कोई भक्ति नहीं, ये पूर्व जन्म का बहुत संस्कारी प्राणी था और इस काल ने भेज दिया डे। अब ये सारी उम्र खोटे खोदेगा, कति भक्ति नहीं इसके पास, और फिर भी इसके ठाठ रहेंगे, और लास्ट में इसको ऐसी बुरी मौत मारेगा, ऐसी दुर्गति होगी ऐसे व्यक्तियों की, आगे चल के ना जाने कौन सी योनि में डाल देगा। तो ये इसने ये 12 भक्त अच्छी आत्माएं वहाँ सेलेक्ट रखता है प्रत्येक उसमें, और फिर इनको जैसे ये 12 यहाँ भेजे, उनको रह रहकर फिर जैसे राधा स्वामी शिवदयाल जी जो थे ये अच्छी आत्माओं में थे, उसके बाद फिर ये बाबा जयमल सिंह जैसे, सावण सिंह जैसे, फिर ये बलोचिस्तानी सामस्ताना जैसे, और यो अब सच्चा सौदा सिरसा वाले जैसे, ये सारी पुण्यात्माएं थी, इनके पूर्व जन्म के पुण्य संग्रहित हैं, और ये सारी उम्र कति भक्ति तो है नहीं इनके पास, करेंगे खा किए और फिर भी ये सुखी दिखाई देंगे, और सारी इनके वचन में भी थोड़ी बहुत पावर होगी, लोग इससे प्रभावित भी रहेंगे फंसाए रखने के लिए। यहाँ देखना, ये फिर इसने 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान ये अलग बना रखे, और ये यहाँ रहता है, यहाँ एक तपत शिला है,
इस तपश्चला पे 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को भूनता है और यहाँ इसका निज स्थान है, ये सुराख है आगे उस अक्षर पुरुष के लोक में जाने का। ये देखिएगा, ये यहाँ अब ये वो 21 ब्रह्मांड हैं, ये वाले बस इतने इतने, और इससे निकलकर इसमें से ये 7 संघ ब्रह्मांड है, ये सरपुरुष के 21, ये 7 संघ ब्रह्मांड हैं अक्षर पुरुष के, परब्रह्म जिसे कहते हैं, ये वाले इतना बड़ा क्षेत्र। तो इसमें यहाँ ये है 21वां ब्रह्मांड इसका, इसमें से आगे जाने का रास्ता है जो सतलोक को जाता है। अब ये बड़े वाला लेंगे हम, अब ये 21वां ब्रह्मांड है, ये देख पूरे ब्रह्मांड देखो 21, तो अब ये यहाँ बैठा है, इस यहाँ एक रास्ता है, ये 11वां द्वार है, ये 11वां द्वार, और इस 11वें द्वार को इसने स्वयं रोक रखा, यहाँ बैठा है ये, कोई भी प्राणी यहाँ से नहीं जा सकता, यहाँ से वही जा सकता है जिसको कबीर परमेश्वर लेकर जाएंगे, और परमात्मा के वहाँ जाते ही उस द्वार को स्वयं रोके बैठा है। जब यहाँ से हम जाएंगे भक्ति इस भगवान के मंत्र के आधार से, तो इसका सिर झुक जाता है ऐसे अपने आप, और इसके सिर पर पैर रख कर, और तब हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ काल ने, ये वो 11वां द्वार है, अब यहाँ लेंगे हम पूरे ब्रह्मांड, ये 21 ब्रह्मांड काल के हैं ब्रह्म के, और ये है 11वां द्वार, इसमें प्रवेश किए ये अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड हैं, ये छोटे छोटे 7 संख ब्रह्मांड, और ये है वो 12वां द्वार, ये है 12वां द्वार, इससे प्रवेश पार करके तब हम यहाँ सतलोक में परमात्मा के चरणों में पहुँचेंगे, और ये असंख ब्रह्मांड हैं, ये परमात्मा के असंख, ये तो थोड़ा सा क्षेत्र रह जाता है इनका, ये इतना का क्षेत्र है बस, सरपुरुष और अक्षर पुरुष का दोनों का मिला के, और ये असंख्य ब्रह्मांड का ये मालिक, ये पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष है। तो ये 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में प्रवेश करेंगे। अब आपने देखा, परमात्मा ने बताया कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, और अब थोड़ा सा हिंट इन पुराणों से देना पड़ेगा ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। पुणात्माओं, यदि इस जीवन में आपको कोई विशेष काम है तो ये है, परमात्मा को समझना, जानना और मोक्ष प्राप्त करना। जब भगवान आपको मिल गया, सत्साधना आप करते हैं, तो आपके जो भौतिक लाभ हैं वो तो ना चाहते हुए भी आपको मिलेंगे। परमात्मा आपको सारे सुख भी देगा आपको भक्ति कराने के लिए, जैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए कितनी सुविधा देते हैं, स्वयं हम मजदूरी करते हैं और बच्चों को बढ़िया ड्रेस देते हैं, उनको गाड़ियों में भेजते हैं, और 15-20 वर्ष तक बच्चे तो पढ़ो और अपना कल्याण कराओ। तो ये परमात्मा ने आपको ये ड्रेस जो दी है मनुष्य की, ये विद्यार्थी को, आप विद्यार्थी हैं, और जब आप सही विद्या ग्रहण करोगे, परमात्मा अनुकूल चलोगे, तो आपको सारी सुविधा ऑटोमेटिकली मिलेंगी। आपके घर में सुख, आपके शरीर में सुख, आपके सब संकटों का निवारण करेगा भगवान, तभी आप भक्ति कर सकोगे। तो इसके लिए आपने अच्छा समय निकालना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार। ये प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहाँ देखिएगा, ये 98-99 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे, रुद्र संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, और ये 98 पर यहाँ नीचे से 5वां अध्याय है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अब 99 पर आ गए हम। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन, देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। अब नारद जी ने क्या पूछा था कि पिताजी, अपने पिता ब्रह्मा से, कि मुझे सृष्टि रचना सुनाओ। अब यूँ लग गया सृष्टि रचना सुना, देखिएगा,
जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य थे न चंद्रमा आदि आदि, उस समय तत् सत ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ठीक, अब ये देखिए क्या सट्टे मारेगा है, क्योंकि पुण्यात्माओं ये 100 पृष्ठ पा गया। आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि परमात्मा जब प्रथम सतयुग में आए थे, इन तीनों को मिले थे, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को। इन्होंने मालिक से ज्ञान एक संत रूप में, ऋषि रूप में, और इन्होंने ये ज्ञान सुना था परमात्मा से। अब ब्रह्मा जी परमात्मा वाले ज्ञान को कुछ अपनी अटकल को मिला के कैसे वो सृष्टि रचना बता रहा है, देखिएगा। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। अब ये के सट्टे मारे है, नो कहो वैसे तो परमात्मा निराकार है, वो ये ब्रह्म ने निराकार कहे, और उसने कहते फिर वो सदाशिव के रूप में आ गया। वो सदाशिव कौन है, देखिए उनका। अब ये कहते हैं जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं, ये काल ने सदाशिव कहे हैं, आगे क्लियर भी होगा। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी, अपने विग्रह से उस काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो उसके श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, अलग कर दी। यह देख, अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान और प्रकृति गुणवती माया, प्रकृति भी कहते हैं उस दुर्गा को, बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है, वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है, उसको प्रकृति, ये ध्यान रखना, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, जो गीता में आपको दिखाया था। अभी आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में स्पष्ट किया था कि ये काल कहता है ये प्रकृति तो सभी की माँ जानो, और मैं सबका पिता, मैं इसके अंदर बीज स्थापना करता हूँ जिससे सबकी उत्पत्ति होती है, और प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुण, ब्रह्मा, सद्गुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी, ये सभी जीवात्मा को कर्मानुसार बांधे रखते। और परमात्मा ने क्या बताया कि नहीं, ये तीन नहीं, ये पांचों मिलकर बांध रहे आपको, और हम इन पांचों में जीव अटकाए, युगों युग हम आन छुटाए। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।